सोने और चांदी की कीमतें मंगलवार को घरेलू बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान कमजोर कारोबार करती दिखाई दी। MCX पर गोल्ड का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कुछ बढ़कर 47,137 रुपये प्रति 10 ग्राम और सिल्वर का भाव 61,724 रुपये प्रति किलोग्राम पर फ्लैट रहा। डॉलर में मजबूती आने से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी सोने की कीमतों पर दबाव रहा है। पिछले साल 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई लेवल को छूने के बाद से इस वर्ष सोने की कीमतों ने बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। कई देशों के इक्विटी मार्केट्स में भी गिरावट आई, क्योंकि इन्वेस्टर्स एनर्जी की जो संकट है उसका बढ़ने और महंगाई में तेजी आने से काफ़ी चिंतित हैं। वहीं ब्रोकरेज फर्म कोटेक सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि सप्लाई को लेकर समस्याओं के कारण कुछ कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़े हैं। अगर रिस्क कम रहता है और डॉलर में और तेजी आती है तो इनमें कुछ गिरावट हो सकती है। गोल्ड को इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बॉन्ड की परचेज में कमी करने की शुरुआत से गोल्ड की जो कीमतें हैं बढ़ जाएंगी और इन्वेस्टर्स के लिए इसमें फ़ायदा कम होगा। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का स्पॉट भाव 1753.77 डॉलर प्रति औंस पर फ्लैट रहा। सिल्वर का रेट 0.2% घटकर 22.52 डॉलर प्रति औंस पर था। गोल्ड के ट्रेडर्स बुधवार को जारी होने वाली अमेरिकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एनालिस्ट्स को इसमें तेजी जारी रहने की उम्मीद लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।